हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और यार आज हमारे साथ है रॉयल इनफील्ड की ऑल न्यू मीटियोर 350। काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पर डिज़ाइन ऑफर किया गया है। बेस्ट इन सेगमेंट आपको विद रेट्रो लुक्स ऑफर की गई हैं। कॉम्बो देखने को मिलेगा आपको यहाँ पर 20 प्लस ब्यूटी का। फ्रंट लुक्स की बात करें तो यहाँ पर आपको रिंग टाइप में DRLs ऑफर किए गए हैं। हेडलाइट यूनिट आपको हेलोजन में देखने को मिलेगी। टर्न इंडिकेटर्स की बात की जाए तो अगेन आपको हेलोजन में ही देखने को मिलेंगे। बात की जाए अगर रेयर व्यू मिरर्स की तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी के रेयर व्यू मिरर्स ऑफर किए गए हैं। क्रोम फिनिश के साथ आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल आपको काफ़ी अच्छा डिज़ाइन यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ नीचे की तरफ आपको नंबर प्लेट का स्पेस दिया गया है और यहाँ पर आपको इसका मैट ब्लैक फिनिश में मडगार्ड देखने को मिलेगा। मैट ब्लैक कलर में काफ़ी प्रीमियम लगती है मीटियोर 350। बात करें अगर फ्रंट सस्पेंशन की तो यहाँ पर आपको टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन ऑफर की गई है जो कि आपको बहुत ही अच्छी राइड क्वालिटी ऑफर करती है। बात की जाए अगर ब्रेकिंग की तो यहाँ पर आपको ड्यूल चैनल ABS ऑफर किया गया है। फ्रंट डिस्क की बात करें तो 300mm की आपको फ्रंट डिस्क ऑफर की गई है जो कि आपको बहुत ही अच्छा ब्रेकिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगी। बात करें अगर फ्रंट टायर की तो यहाँ पर आपको 19 इंच का ट्यूबलेस टायर ऑफर किया गया है विद अलॉय व्हील्स। अलॉयज़ का डिज़ाइन भी काफ़ी अमेजिंग आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो फ्रंट प्रोफाइल आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपको रेट्रो डिज़ाइन देखने को मिलेगा। बात की जाए अगर यहाँ नीचे की तो यहाँ पर आपको लेग गार्ड ऑफर किया गया है। ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का आपको देखने को मिलेगा। यहाँ नीचे की तरफ आपको सिंगल हॉर्न की प्लेसमेंट देखने को मिलेगी और यहाँ पर आपको इंजन गार्ड ऑफर किया गया है सिल्वर फिनिश के साथ। तो जो हॉर्न का साउंड आपको यहाँ देखने को मिलेगा काफ़ी अमेजिंग आपको ऑफर किया गया है। बात की जाए अगर रॉयल इनफील्ड मीटियोर 350 की साइड प्रोफाइल की तो साइड से काफ़ी आपको अमेजिंग लुक्स ऑफर की गई हैं। काफ़ी अच्छी डायमेंशंस के साथ आपको ऑफर की गई है मीटियोर 350। यहाँ पर आपको फ्यूल टैंक में रॉयल इनफील्ड की बैजिंग देखने को मिलेगी और सराउंडिंग में आपको क्रोम ट्रीटमेंट ऑफर किया गया है। बात करें अगर मीटियोर के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तो यहाँ पर आपको डिजिटल प्लस एनालॉग का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। बीच में आपको MID ऑफर की गई है और ऊपर की तरफ आपको स्पीडोमीटर देखने को मिलेगा। बीच में आपको ट्रिप्स के रिगार्डिंग और गियर शिफ्टिंग के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन और फ्यूल के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। और यहाँ सराउंडिंग्स में आपको क्रोम ट्रीटमेंट ऑफर किया गया है और यहाँ पर आपको बटन दिया गया है आपकी MID को यूज़ करने के लिए। यहाँ से आप अपनी MID को कंट्रोल कर पाएंगे और यहाँ से आप इसके ट्रिप्स वगैरह को भी इजली चेंज कर सकते हैं। और यहाँ बीच में आपको मीटियोर का की पॉइंट ऑफर किया गया है। बात की जाए अगर क्लच लीवर और ब्रेक लीवर की तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के आपको यहाँ पर ब्रेक लीवर और क्लच लीवर ऑफर किए गए हैं। काफ़ी अच्छा लगता है इसका सेंटर कंसोल देखने में, काफ़ी प्रीमियम फील होता है। कीज़ भी आपको काफ़ी सिंपल और सोबर दी गई है यहाँ पर। तो बात की जाए अगर यहाँ पर क्वालिटी की तो काफ़ी अच्छी फिट एंड फिनिश आपको यहाँ देखने को मिलेगी इसके बटन्स में भी। यहाँ पर आपको इसका इंजन किल स्विच ऑफर किया गया है और यहाँ बीच में आपको इसका 1000 लाइट को ऑन ऑफ करने का बटन दिया गया है। सेम इस साइड भी आपको बटन्स ऑफर किए गए हैं। यहाँ पर आपको हेडलाइट के हाई बीम और लो बीम का बटन और यहाँ बीच में आपको इंडिकेटर्स का और नीचे की तरफ आपको हॉर्न का बटन प्लेस मिलेगा। तो ओवरऑल आपको बटन्स की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी यहाँ पर ऑफर की गई है। रेयर व्यू में भी आपको काफ़ी प्रीमियम ऑफर किए गए हैं, काफ़ी अच्छा व्यू आपको प्रोवाइड करते हैं। काफ़ी अच्छा लगेगा आपको इसका सेंटर कंसोल देखने में। बात करें अगर फ्यूल टैंक की तो काफ़ी बड़ा आपको यहाँ पर फ्यूल टैंक ऑफर किया गया है। 15 लीटर्स का आपको फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको फ्यूल लीड ऑफर की गई है क्रोम फिनिश के साथ। यहाँ से आप अपने फ्यूल को रिफिल कर पाएंगे और यहाँ पर आपको फ्यूल टैंक पर रॉयल इनफील्ड की बैजिंग देखने को मिलेगी क्रोम में और सराउंडिंग्स में भी आपको क्रोम ट्रीटमेंट ऑफर किया गया है। तो काफ़ी प्रीमियम लगता है मैट ब्लैक फिनिश के साथ क्रोम ट्रीटमेंट। बात की जाए अगर मीटियोर 350 के इंजन स्पेक्स की तो यहाँ पर आपको 349cc का इंजन ऑफर किया गया है जो कि प्रोड्यूस करता है 20.2 BHP और 27 Nm का टॉर्क। सेम इंजन आपको हंटर और क्लासिक में भी देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको इसका गियर लीवर ऑफर किया गया है और यहाँ पर आपको फ्रंट फुटरेस्ट की प्लेसमेंट देखने को मिलेगी और यहाँ इंजन पर भी आपको रॉयल इनफील्ड की बैजिंग ऑफर की गई है। बात करें अगर नीचे की तो यहाँ पर आपको साइड स्टैंड और नीचे की तरफ मेन स्टैंड की पोजीशन देखने को मिलेगी। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात की जाए तो 170mm की ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर की गई है तो इसलिए आप ऑफ रोडिंग भी कर पाएंगे मीटियोर 350 से। यहाँ पर आपको मीटियोर 350 की बैजिंग ऑफर की गई है, ये भी काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में। और यहाँ पर आपको साइड गार्ड ऑफर किया गया है और नीचे की तरफ आपको चेन सेट की पोजीशन और यहाँ पर आपको रेयर फुटरेस्ट की प्लेसमेंट देखने को मिलेगी। बात की जाए अगर सीट की तो स्प्लिट सीट आपको ऑफर की गई है, काफ़ी अच्छी कुशनिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। लॉन्ग राइड्स पे आपको काफ़ी अच्छा कंफर्ट प्रोवाइड करेगी सीट्स। यहाँ पर आपको इसका बैकरेस्ट ऑफर किया गया है, ये भी सॉफ्ट कुशनिंग के साथ आपको देखने को मिलेगा। तो लॉन्ग राइड्स पे आपको काफ़ी अच्छा कंफर्ट देखने को मिलेगा मीटियोर 350 में। तो कंफर्ट प्लस पावर का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा मीटियोर 350 में।
बात की जाए अगर मिट्योर 350 की रेयर प्रोफाइल की, तो रेयर से भी काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिलेगी मिट्योर 350। काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पर टेल लाइट यूनिट का डिज़ाइन देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आपको बैकरेस्ट पर भी रॉयल इनफील्ड की बैजिंग ऑफर की गई है, काफ़ी अच्छी लगती है ये भी देखने में। बात की जाएगा टेल लाइट यूनिट की, तो यहाँ पर आपको LED में टेल लाइट यूनिट ऑफर की गई है, ये भी काफ़ी प्रीमियम लगती है नाइट के टाइम में, और यहाँ पर आपको अगेन मैट ब्लैक फिनिश देखने को मिलेगी। इंडिकेटर्स की बात करें तो आपको हेलोजन में ऑफर किए गए हैं इसके इंडिकेटर्स भी, और यहाँ नीचे की तरफ आपको नंबर प्लेट का स्पेस दिया गया है, और यहाँ पर आपको LED लाइट प्रोवाइड की गई है इसके नंबर प्लेट के लिए, और यहाँ नीचे की तरफ आपको इसका रिफ्लेक्टर ऑफर किया गया है, तो काफ़ी अच्छा लगेगा आपको उसका रेयर का डिज़ाइन भी। तो बात करें अगर मिट्योर के अगेन साइड प्रोफाइल की, तो डायमेंशन वाइज भी काफ़ी बड़ी लगती है आपको दूसरे अपने कंपटीटर्स से, 350 क्लासिक से भी काफ़ी बड़ी आपको ऑफर की गई है मिट्योर। बात करें अगर इसके रेयर सस्पेंशन की, तो यहाँ पर आपको ट्विन ट्यूब एम्बुलेशन शॉक एब्जॉर्वर विद 6 स्टेप एडजस्टमेंट ऑफर किया गया है, जो कि आपको बहुत ही अच्छी राइड क्वालिटी ऑफर करता है। बात करें अगर यहाँ ब्रेकिंग की, तो ड्यूल चैनल ABS आपको मैंने पहले भी बताया ऑफर किया गया है मिट्योर में। रेयर डिस्क की बात करें तो 270mm की रेयर डिस्क आपको ऑफर की गई है, और रेयर टायर की अगर बात करें तो 17 इंच का ट्यूबलेस टायर ऑफर किया गया है विद अलॉय व्हील्स। एक बार मैं आपको स्टार्ट करके इसका साउंड सुना देता हूँ, एक बार आप इसका साउंड चेक कीजिए। क्रोम फिनिश के साथ आपको इसके एग्जॉस्ट पाइप ऑफर की गई है, काफ़ी अमेजिंग साउंड आपको ऑफर करती है मिट्योर 350। यहाँ पर आपको मिट्योर 350 की बैजिंग ऑफर की गई है, और यहाँ पर आपको रेयर फुटरेस्ट की प्लेसमेंट देखने को मिलेगी, काफ़ी अच्छा लगता है इसका रेयर प्रोफाइल देखने में। और यहाँ पर इंजन पर भी आपको रॉयल इनफील्ड की बैजिंग ऑफर की गई है, मैट ब्लैक फिनिश के साथ आपको यहाँ पर इंजन ऑफर किया गया है। यहाँ पर आपको फ्रंट फुटरेस्ट की प्लेसमेंट, और यहाँ पर आपको ब्रेक की पोजीशन देखने को मिलेगी। तो अगर आप लॉन्ग ट्रिप्स के लिए और ऑफरोडिंग के शौकीन हैं, तो सबसे ज़्यादा बेस्ट वैल्यू फॉर मनी बाइक ही आपके लिए रहने वाली है। एक बार मैं आपको मिट्योर 350 की हेडलाइट्स भी ऑन करके दिखा देता हूँ, कैसा थ्रो आपको ऑफर करती है इसकी हेडलाइट। हेलोजन में आपको ऑफर की गई है, जिसका रिस्पॉन्स आपको नाइट के टाइम में काफ़ी बेहतरीन देखने को मिलेगा, काफ़ी अच्छा आपको फ्लो ऑफर करती है नाइट के टाइम में इसकी हेडलाइट यूनिट। और बात की जाए अगर यहाँ मिट्योर 350 में चेंजेस की, तो यहाँ पर आपको जो पहले नेविगेशन कंसोल ऑफर होता था, वो अब हटा दिया गया है यहाँ से। तो अगर अब भी आपको नेविगेशन कंसोल चाहिए, तो आप कंपनी से ही उसको इंस्टॉल करा सकते हैं, एज अ पार्ट ऑफ एसेसरी वो रॉयल इनफील्ड से इंस्टॉल हो जाएगा। बात करें अगर मिट्योर 350 की डायमेंशंस की, तो यहाँ पर आपको 2140mm की लेंथ ऑफर की गई है। वेट की अगर बात करें तो 845mm आपको विड्थ ऑफर की गई है, और हाइट की अगर बात करें तो 1140mm आपको हाइट ऑफर की गई है। तो डायमेंशंस वाइज आपको काफ़ी बड़ी देखने को मिलेगी मिट्योर 350 क्लासिक 350 से। और बात करें अगर इसकी सीट हाइट की, तो 765mm आपको सीट हाइट ऑफर की गई है, तो कम हाइट वाले भी इसको इजीली चला पाएंगे। तो ओवरऑल काफ़ी वैल्यू फॉर मनी ये बाइक आपके लिए रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आपको पावर प्लस ब्यूटी प्लस कंफर्ट का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, तीनों ही चीज़ें आपको एक ही बाइक में ऑफर कर दी गई हैं। और बात की जाए अगर रॉयल इनफील्ड मिट्योर 350 सुपरनोवा टॉप वेरिएंट के प्राइसिंग की, तो 2,17,000 आपको एक शोरूम पड़ती है। तो यही था रॉयल इनफील्ड मिट्योर 350 सुपरनोवा का एक डिटेल रिव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।